माया को बुलाया। और ऐसी कठिन करनी मम माया दुरतया, मिर्चेउ मग महानगर तेहि सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ऐसा सुंदर नगर बसाया, उसका नाम ही माया। मां माने नहीं, या माने जो, जो चीज जहां जैसी ना हो वैसी जो दिखा दे उसका नाम माया बना दिया। अब नारद जी उधर से निकले और जो नगर देखा, तो आपको नगर से क्या मतलब, अपना रास्ते से भगवान का भजन करते हुए आगे बढ़ जाते। पर नारद जी ने कहा कि नहीं, थोड़ा देखने में क्या बिगड़ता है, बड़ा अच्छा नगर है। नगर में चले गए, यहां बड़ी तैयारियां हो रही हैं। यहां का राजा शीलनिधि अपनी बेटी का विवाह कर रहा है, ठीक है। जब सुन लिया था कि विवाह हो रहा है तो जाने की जरूरत क्या। नारद जी ठहरे महात्मा, लेकिन नारद जी को लगा थोड़ा सा देखने में क्या बिगड़ता है, चले गए। और वहां गए, राजा ने पूजन किया, अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि इसके गुण दोषों का वर्णन करो। नारद जी ने जो हाथ पकड़ा और चेहरा देखा तो मुख की ओर देखते ही रह गए। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। पर नारद जी केवल देख लेते तो कुछ नहीं बिगड़ने वाली बात थी, वहीं से संभल सकते थे, पर बड़ी बार अलग ही रहे निहारी। राजा ने कहा इसके, हाँ अब जो देखा लक्षण सब विचारी उर राखे, इसका जो विवाह जिससे होगा वो अमर होगा, उसे युद्ध में कोई जीतेगा नहीं, चर अचर जीव जिसकी सेवा करेंगे, ये सारे लक्षण भगवान के हैं। मानो हस्तरेखा कह रही थी कि भगवान से इनका विवाह होगा, तुम चक्कर में मत पड़ो। पर नारद जी ने सोचा कि इसका विवाह जिससे हो जाएगा उसमें ये लक्षण आ जाएंगे। नारद जी सोचने लगे हमारे भगवान होने में बस यही कसर है, और तो कुछ है नहीं। लेकिन अब सुंदरता किससे मांगे, बिना सुंदरता के विवाह होगा नहीं। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान कौतुकी हैं, प्रकट हुए, और यहां सब कौतुकी इकट्ठे हुए। मुनि कौतुकी नगर तेहि गए, पहले तो मुनि कौतुकी, फिर भगवान प्रकट हुए तो प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, और फिर वे दो जो रुद्रगण थे विप्रवेश देखत फिर परम कौतुकी तेव। ये सब कौतुकी इकट्ठे हुए और संभल कर बैठना जलवय मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। नारद जी तमाशा देखने गए थे और उस तमाशे ने तमाशा बना दिया भगवान की माया। भगवान प्रकट हुए, प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, हाथ जोड़े प्रणाम किया। भगवान ने कहा पधारो देवर्षि, कैसे स्मरण किया, महाराज एक जरूरी काम आ गया। भगवान बोले लो और सुनो, कल ये काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। पर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है हमारी माया। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा, तो क्या काम क्या है, अब आपके सामने संकोच होता। नहीं नहीं संकोच बताओ, विवाह करना। भगवान बोले वाह वाह वाह, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती। विश्व मोहिनी का नाम नहीं ले रहे हैं। आन भाति नहीं पावों ओही, अब आपके सामने क्या नाम है, आप तो जानते ही हैं। भगवान ने कहा हमारे लायक कोई सेवा, हाँ बोलो। यह नहीं कहा कि सुंदर बनो, आपन रूप दे हो प्रभु मोही, अपना रूप दे दो। भगवान मन ही मन हंसे कि अद्भुत बात है, रूप हमारा और विवाह है तुम्हारा। अब भगवान बड़े संकट में,
राम सदा सेवक रुचि राखी, और सेवक है नारद जी, इनकी रुचि रखना चाहिए हमें, लेकिन अगर रुचि रखते हैं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्या करें। नारद जी को अगर सुंदर बना दिया तो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाएंगे। कौन नचाएगा, को जग काम नचाव न जे ही। और अगर हमने इन्हें अपना बंदर बना लिया तो जिंदगी भर के लिए सुंदर हो जाएंगे। इसलिए नारद जी आए थे सुंदर बनने, भगवान ने बना लिया बंदर। लेकिन कब, जब नारद जी ने यह कहा, रुचि तो यही है कि सुंदर बना दो, पर नारद जी यही नहीं रुके, आगे बोले, यही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो वेग दास में तोरा, हे प्रभु मेरा जिसमें हित हो आप वही शीघ्रता पूर्वक करें। भगवान ने कहा अब बात बन गई, अब रुचि की कोई बात नहीं रही, अब तो हित की बात है। तो भगवान बोले यही विधि हो, ये परम हित नारद सुनहु तुम्हारा, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा सोई हम करव न आन कछु, वचन नंबर सा हमारा। और भगवान ने यद्यपि स्पष्ट किया, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि योगी, यही भी हित तुम्हार में ठयऊं। लेकिन नारद जी सुने कहां, उन्हें तो लगा बस परम हित होगा, और वो परम हित यही समझ रहे थे कि संसार व्यवहार परिवार, माया विवस भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। लेकिन एक बात है, भगवान नारद जी की हंसी नहीं कराना चाहते। नारद जी को जो बंदर का स्वरूप दिया वो किसी ने नहीं देखा, नारद जान सबहि सिरुनावा, वो बंदर वाला चेहरा तो या तो भगवान ने देखा या उस विश्वमोहिनी ने देखा, और या नारद जी ने स्वयं देखा। लेकिन दो और आ गए रुद्रगण, वो कहने लगे कि हमें नारद जी का चेहरा दिखने की अनुमति मिलनी चाहिए। भगवान ने कहा ये सीक्रेट मामला है, गोपनीय है, तुम्हें नहीं। वो बोले हम तो संवाददाता हैं, शंकर जी से संबंध बनाए हुए हैं, तो कितने ही सीक्रेट मामला हो हमें तो अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर ने गण लगा दिए थे कि देखते रहना, ये जरूर हमने जो कहा है उसके प्रतिकूल ही आचरण करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा तुम भी देखो। अब ये रुद्रगण पीछे लग गए नारद जी के और प्रशंसा करेगा, इनकी ऐसी सुंदरता क्या। दूसरा बोला कमाल है, हमने तो सुनी नहीं ऐसी सुंदरता। अब प्रशंसा सुनकर नारद जी क्या बात, नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं नहीं बिना संकोच बोलो और कुछ नहीं, ये कह रहे ऐसी सुंदरता नहीं देखी। अच्छा हाँ, कहां मिली ऐसी सुंदरता, भगवान से। रुद्रगण बोले वही हम कहें ऐसी सुंदरता तो वे ही दे सकते हैं। बैठ गए, अब प्रशंसा प्रिय तो दोनों को अगल बगल बिठा लिया। विश्वमोहिनी आई, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, रुद्रगण कह रहे थे आपका विवाह होगा। अब विश्वमोहिनी को देखकर नारद सोचते हैं हम थोड़ा उछल जाएं, दिख तो जाएं पहले। नहीं नहीं महाराज आप बैठो। अब विश्व मोहिनी ने देखा तो जिस दिशा में नारद जी बैठे थे उधर देखा, मरकट बदन भयंकर देही, उस दिशा में ही नहीं देखा विश्व मोहिनी ने। शिव जी को रुद्रगणों ने कहा कि विश्व मोहिनी ने इधर नहीं देखा। शिव जी बोले भाई यही हित हुआ, कैसे, विश्व मोहिनी अर्थात विश्व को मोहित करने वाली भगवान की माया सबको व्यापती है, लेकिन जो भगवान का बंदर बन जाता है उसे व्यापने की कौन कहे, उस दिशा में भी नहीं देखती, उधर नहीं देखती। तो शिव जी ने भी निश्चय कर लिया कि हम भी बंदर ही बनेंगे, राम जी के बंदर बनेंगे, और विश्व मोहिनी के कारण नारद जी बंदर बने और मोहनी अवतार के कारण भगवान शिव बंदर के रूप में प्रकट हुए। यही शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजी नेह बस हरते भे हनुमान।